नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज़ से। समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत रुपौली पंचायत में हूँ, जो कि यहाँ के मुखिया, नमस्कार सर, आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है सर। अभी होली का सीजन है, होली होने वाला है, इसमें अपने पंचायत के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम अपने पंचायत के लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये होली रंगों का त्यौहार है और इसमें भाईचारा बनाए रखें, किसी प्रकार के प्रिंस या अमर्यादित ढंग से होली न खेले, मर्यादित ढंग से होली खेले, भाईचारा प्रेम बनाए रखें। और साथ में हम अपने समाज पंचायत वासियों से, पूरे प्रखंड वासियों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार में दारूबंदी है जी, तो इस दारूबंदी का पालन करें और जहरीली दारू पीने से बचे और अपनी जिंदगी को सेफ रखें और दारू न पिए, माने खाना पीना खाएं, पकवान खाएं, मीट मछली खाएं, लेकिन दारू से बचें। तो पटोरी प्रखंड के जनता से, अपने पंचायत के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही, खास तौर से अपनी ओर से, हम अपनी ओर से ये संतुन के होली की शुभकामनाएं देते हैं कि उन सब, हम अपने पूरे पंचायत वासियों को, सब पटोरी प्रखंड वासियों को, समस्त क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये उनसे एक अपील है मेरा कि वो दारू का प्रयोग बिल्कुल ना करें होली में जी। धन्यवाद सर। फिर लोगों से कुछ बातचीत करते हैं सर। सर, आपको भी आज टीवी में स्वागत है सर। आप होली के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे, लोगों को किस तरह से होली मनाना चाहिए, आप अपनी ओर से कुछ? लोगों को अपने भाईचारा के ध्यान रखते हुए जी होली मनाना चाहिए। किसी भी तरह का अवगरेंस पैदा न करे, यही कहना चाहेंगे पंचायत वासी। आप अपना सर परिचय देंगे? मेरा नाम सतीश कुमार यादव हुआ, रुपौली रुपौली जी, रुपौली पंचायत का। तो मुखिया जी के तरफ से भी कोई कार्य योजना कुछ चल रहा है या नहीं? हाँ, चल रहा है, बहुत सारा योजना चल रहा है जी, जैसे मनरेगा के थ्रू अभी मिट्टीकरण हो रहा है। जब चाहवा तो तब लिखा जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय देंगे? मैं सरवन कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद पटोरी जी। आज होलिका दहन है, होली पर हम पूरे प्रखंड वासियों को अपने तरफ से और राजद की परिवार की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, प्रणाम करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि होली एक भाईचारा का संदेश पहुंचाता है, ये एकजुटता बनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए हम एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हैं। हम यही चाहेंगे कि अपने प्रखंड वासियों को कि शांति से होली मनाएं, एक दूसरे से अपना प्यार बांटें और जो बिहार में शराब बंदी है इसका पालन करें, कि जो अभी जहरीली शराब जो पूरे बिहार में चल रही है, जिससे बहुत को आदमी को जान मान की क्षति हो रही है, इसमें हम कहेंगे कि आप पूरे प्रखंड वासियों ये जहरीली शराब से बचे और खाना भी सादा सादी खाना खाए जो होली में उपयोग किया जाता है। बीते दिन कुछ दिन पहले पटोरी प्रखंड में जहरीली शराब से 10 लोगों की जान गई है। हम ये पूरे प्रखंड वासियों से कहेंगे, आप लोग ये जहरीली शराब का उपयोग मत करें कि आए समय आपके घर परिवार आस पास में क्षति हो, जिससे किसी को दुख हो, ये हम नहीं चाहते। होली में हुड़दंग मचाना भी एक गलत अफवाह फैलाती है अपने प्रखंड को। अच्छे तरह से होली मनाइएगा तो आपका नाम होगा। जैसे धमोन में देखिए कितना प्रचलित होती है होली, जो छत्ते लेके सब एक दूसरे पंचायत से आके वहाँ निरंजन स्वामी के स्थान पे आते हैं, एक दूसरे पंचायत के वासी मिलते हैं और एक तरह से खुशी का माहौल रहता है जो देखने लायक है। समय मिलेगा तो आप भी जाके देखिए, हम लोग भी जाते हैं। और होली में एकजुटता बनाए रखिए और खुशी सम्पन्न से होली मनाइए, यही मेरी शुभकामना है जी। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे रुपौली पंचायत के मुखिया पति अजय चौधरी से, अभी हम बातचीत कर रहे थे। आप देखते रहिए बीआरजी टीवी जनता की आवाज़।